Hello children, welcome to Submission School of Learning. आप सब कैसे हैं? I hope you all are fine. पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था आपकी इंग्लिश की बुक से यूनिट फर्स्ट का लेसन द आइसक्रीम मैन. ये एक पोएम थी जिसमें आइसक्रीम मैन जब आता है तब कैसा माहौल बनता है इस बारे में हमने समझा. आज हम पढ़ेंगे आइसक्रीम मैन लेसन के वर्ड मीनिंग्स और साथ ही साथ हम क्वेश्चन आंसर्स भी हिंदी में समझेंगे. तो बच्चों, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना है. तो आप ये वीडियो देखें और वर्ड मीनिंग्स को लिखना शुरू कर देते हैं. आपके बुक के पेज नंबर 12 पर आपको ये वर्ड मीनिंग्स मिल पाएंगे. तो देखें, फर्स्ट वर्ड है ब्लेज. ब्लेज का मीनिंग होता है ब्राइट फ्लेम और फायर. आग या चमकती हुई लौ को कहा जाता है ब्लेज. सेकेंड वर्ड इज ट्रंडलिंग. इसका मीनिंग है मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, मतलब छोटे चौड़े पहियों पर मूव करना, बढ़ना, चलना. इसके बाद थर्ड वर्ड है माउंट्स, विच मीन्स हीप या पाइल, किसी चीज़ का ढेर कहलाता है माउंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रॉस्टी फिज, जिसका मीनिंग है चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड. एक ठंडी ड्रिंक जिसको खोलते हैं तो उससे हिस की आवाज़ आती है, बबल्स की आवाज़ आती है. आपने देखा होगा, आप कोल्ड ड्रिंक्स लाते हैं या फिर सोडा वाटर लेकर आते हैं तो उससे एक, जब भी आप वो बॉटल कैप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि उससे एक हिस का आवाज़ आता है. दैट साउंड इज कॉल्ड फ्रॉस्टी फिज. एंड द लास्ट वर्ड इज क्लस्टर. दैट मीन्स गैदर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स. इसका मतलब होता है किसी चीज़ के आसपास खड़े हो जाना, घेरा बनाकर खड़े हो जाना. इसके बाद बच्चों हम शुरू कर रहे हैं इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सीजन इज द आइसक्रीम पॉपुलर. वो कौन सा सीज़न है जिसमें आइसक्रीम बहुत पॉपुलर होती है? आपको पता है इसका आंसर. तो आइसक्रीम इज पॉपुलर इन द समर सीज़न. आइसक्रीम कौन से सीज़न में पॉपुलर होती है? समर सीज़न में पॉपुलर होती है. गर्मियों के मौसम में आइसक्रीम पॉपुलर होती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. आइसक्रीम मैन को देखकर कौन बहुत खुश हो जाता है? सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन. बच्चे आइसक्रीम मैन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़. आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन से अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम होती है? द आइसक्रीम मैन हैज़ वनीला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी. आइसक्रीम मैन के पास कौन कौन सी आइसक्रीम्स होती हैं? वनीला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी. और वैसे भी आप सभी तो बहुत सारी आइसक्रीम्स खाते हैं और आपको बहुत सारे फ्लेवर के नेम्स पता होंगे तो आप वो नेम्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. दैट सेज व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग. आइसक्रीम मैन दो चीज़ें बेच रहे थे, वो दो चीज़ें क्या क्या थी? द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड चिली थिंग्स टू ड्रिंक. आइसक्रीम मैन बेच रहे थे एक तो आइसक्रीम, हमें पता ही है, और पीने की ठंडी ठंडी चीज़ें वो बेच रहे थे. क्वेश्चन नंबर 5.
वॉट इज द आइसक्रीम कार्ट कम्पेयर टू इन द पोयम? पोयम में आइसक्रीम की जो कार्ट है, आइसक्रीम की जो गाड़ी है, उसको किससे कंपेयर किया गया है? द आइसक्रीम कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड इन द पोयम। पोयम के अंदर आइसक्रीम कार्ट को एक फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है। लास्ट लाइन में हमने पढ़ा था ना, जब पोइट ने कहा था कि जैसे कि आइसक्रीम की कार्ट एक फ्लावर्स का बेड हो जिसके आसपास बच्चे बीज की तरह खड़े हो जाते हैं, है ना? तो वहाँ पर हमने देखा था कि पोइट ने कंपेयर किया था किसको, पोइट ने कंपेयर किया था आइसक्रीम कार्ट को एक फ्लावर बेड से। तो बच्चों, यहाँ हमारे पांचों क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिल गए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पोयम की समरी। समरी में हम पोयम को शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। द पोयम डिस्क्राइब्स अ हॉट समर डे सीन ऑफ द सिटी। ये पोयम शहर के एक गर्मियों का दिन है उसे डिस्क्राइब करती है। इन द समर डेज एवरीबडी गेट्स टायर्ड ऑफ द हीट एंड द सन ब्लेजेस एक्सट्रीमली। चूँकि गर्मी बहुत होती है गर्मी के दिनों में, तो हर कोई व्यक्ति हीट और सूरज की जो लौ आती है, फ्लेम आती है, उससे बहुत थक जाते हैं, घबरा जाते हैं। मीनवाइल द आइसक्रीम मैन कम्स डाउन द स्ट्रीट्स विथ हिज कार्ट। और इसी बीच अगर आइसक्रीम मैन अपनी कार्ट लेकर, अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ सड़कों पर आ जाए तो कैसा माहौल बनता है? द आइसक्रीम मैन बिकम्स अ मीन्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर एवरीवन। क्योंकि उस गर्मी से राहत देने वाली आइसक्रीम लेकर आइसक्रीम मैन आता है तो सब बहुत खुश होते हैं, सबकी खुशी का कारण बन जाता है वो आइसक्रीम मैन। ही हैज़ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। उसके पास कई फ्लेवर हैं आइसक्रीम के अपनी गाड़ी में। ही हैज़ चिल्ड फ्रॉस्टी फिज टू ड्रिंक टू। उसके पास पीने के लिए भी कुछ फ्रॉस्टी फिज ड्रिंक्स होती हैं। चिल्ड्रन फ्लॉक राउंड द कार्ट एंड आस्क फॉर देयर फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम और चिल्ड ड्रिंक। बच्चे तो आइसक्रीम मैन को घेर करके खड़े हो जाते हैं और अपने अपने आइसक्रीम फ्लेवर्स मांगने लगते हैं। कोई कहता है मुझे वनीला, कोई कहता है मुझे स्ट्रॉबेरी, कोई कहता है मुझे चॉकलेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम चाहिए। इसी तरह से जैसा हमें पता है कि उसके पास चिल ड्रिंक्स भी होती हैं, ठंडी ड्रिंक्स भी होती हैं, तो चिल्ड्रन अपने अपने पसंद के ड्रिंक उससे मांगते हैं। कोई रेड, कोई ग्रीन, हर बच्चा अपनी पसंद की चीज़ उससे मांगने लगता है, लेने लगता है। द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द आइसक्रीम कार्ट विथ अ बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज वेयर द चिल्ड्रन गैदर एज हनी बीज क्लस्टर अराउंड द फ्लावर्स टू गेट नेक्टर। पोइट ने आइसक्रीम कार्ट को कंपेयर किया है बेड ऑफ रोजेस से, जैसे कोई गुलाब का बेड हो या फिर मीठे पीज मतलब मटर का बेड हो, जहाँ के बच्चे बिल्कुल उस तरह से झुंड बनाकर खड़े हो जाते हैं जिस तरह से मधुमक्खियाँ बेड ऑफ रोजेस के आसपास पहुँच जाती हैं। मधुमक्खियाँ क्यों जाती हैं? उन फूलों से नेक्टर चुराने के लिए। उसी तरह से बच्चे आइसक्रीम मैन को कवर कर लेते हैं उससे आइसक्रीम लेने के लिए। दिस इज हाउ द आइसक्रीम मैन स्प्रेड्स जॉय एंड हैप्पीनेस एवरीवेयर इन द समर। और बच्चे बहुत खुश होते हैं आइसक्रीम मैन को देख करके। तो इस तरीके से आइसक्रीम मैन जब वहाँ जाता है गर्मी के दिनों में आइसक्रीम लेकर जाता है तो वो चारों तरफ खुशियाँ फैला देता है। इस पोएम का यही है कि आप इमेजिन करें कि जब बहुत तेज़ गर्मी हो और कोई ठंडी चीज़ आपको मिल जाए तो आपको कितनी राहत मिलती है, और वो राहत देने वाला कौन है? आइसक्रीम मैन है। तो बच्चों, हमने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स और समरी भी पढ़ लिया है इस पोएम का। अब आपको इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। एक लास्ट एक्टिविटी जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो है, आपको अपनी नोटबुक में ही एक आइसक्रीम ड्रॉ करनी है और उसमें कलर भी फिल करना है आपकी जो फेवरेट हो। कई तरह की आइसक्रीम्स आती है, कुछ कोन में आती है, कुछ कप में आती है, कई फ्लेवर्स में आइसक्रीम आती है। तो आपको जो फ्लेवर पसंद हो, जिस तरह की आइसक्रीम आपको पसंद हो, आपको वो अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है और उसमें कलर्स भी फिल करना है।
आप उसका नाम भी लिखेंगे, उसको एलैबोरेट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप अपने पसंद की आइसक्रीम बनाइए और खूब सारी आइसक्रीम खाइए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। सो गुड बाय चिल्ड्रन।